इस्तस्ना 24वां बाब। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी अल्ताफ़त ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाला करे और उसे अपने घर से निकाल दे, और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शोहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाला करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शोहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शोहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नजदीक मकरूह है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावंद तेरा खुदा मेरास के तौर पर तुझको देता है गुनहगार ना बनाना। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सपुर्द हो, वो साल भर तक अपने ही घर में आजाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। कोई शख्स चक्की को या उसके ऊपर के पार्ट को गिरो ना रखे, क्योंकि ये तो गोया आदमी की जान को गिरो रखना है। अगर कोई शख्स अपने इसराइली भाइयों में से किसी को गुलाम बनाए या बेचने की नीयत से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो वो चोर मार डाला जाए। यूं तू ऐसी बुराई अपने दरमियान से दफा करना। तू कोढ़ की बीमारी की तरफ से होशियार रहना और लावी काहिनों की सब बातों को जो वो तुमको बताएं जा फिशानी से मानना और उनके मुताबिक अमल करना। जैसा मैंने उनको हुक्म किया है वैसा ही ध्यान देकर करना। तू याद रखना कि खुदावंद तेरे खुदा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो रास्ता में मरियम से क्या किया। जब तू अपने भाई को कुछ कर्ज दे तो गिरोह की चीज लेना कि उसके घर में ना घुसना। तू बाहर ही खड़े रहना और वो शख्स जिसे तू कर्ज दे खुद गिरोह की चीज बाहर तेरे पास लाए, और अगर वो शख्स मस्कीन हो तो उसकी गिरोह की चीज को पास रख कर सो ना जाना, बल्कि जब आफ्ताब गुरूब होने लगे तो उसकी चीज उसे फेर देना, ताकि वो अपना ओढ़ना ओढ़ कर सोए और तुझको दुआ दे, और ये बात तेरे लिए खुदावन तेरे खुदा के हजूर रास्तबाजी ठहरेगी। तू अपने गरीब और मोहताज खादिम पर जुल्म न करना, खा वो तेरे भाइयों में से हो खा उन परदेशियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हो। तू उसी दिन इससे पहले के आफ्ताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है। ताना हो कि वो खुदावंद से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। बेटों के बदले बाप मारे ना जाएं, ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं। हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। तू परदेसी या यतीम के मुकदमा को ना बिगाड़ना और ना बेवा के कपड़े को गिरो रखना, बल्कि याद रखना कि तू मिस्र में गुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको वहां से छुड़ाया। इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूं। जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में भूल से रह जाए तो उसके लेने को वापस ना जाना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए
तुझको बरकत बख्शे। जब तू अपने जैतून के दरख्त को झाड़े तो उसके बाद उसकी शाखों को दोबारा ना झाड़ना, बल्कि वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। जब तू अपने ताकिस्तान के अंगूरों को जमा करे तो उसके बाद उसका दाना दाना ना तोड़ना, वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ।